Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss a very important topic, totemism. I am Mohammed Salman Jameel, your teacher. First of all, तो बेटे हम देखेंगे कि आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब हम क्या लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉटोमेरिज्म है क्या? देन कहाँ से आइडिया आया कि टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है, या इसकी नीड क्या थी हमें इस आइडिया की. फिर कीटो इन ऑल टॉटोमर्स को डिस्कस करेंगे, कौन सी एसेंशियल कंडीशन हैं जो टॉटोमेरिज्म के लिए फुलफिल होनी चाहिए. देन टॉटोमेराइजेशन या इनोलाइजेशन क्या होती है, इन ऑल कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी स्टेबिलिटीज को डिस्कस करने के लिए हमें जो है उनका आइडिया होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी स्टेबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं. देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इन ऑल कॉन्टेंट्स पे क्या होगा, और ये किस तरह डिफरेंट मैकेनिज्म में कीटो इन ऑल टॉटोमर्स जो हैं वो इंटर कन्वर्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, टॉटोमेरिज्म क्या है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. बेटे आपने FSC में पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो 5 टाइप्स की डिफरेंट हमने पढ़ी थी. चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है, इन विच सब्सटेंस एग्जिस्ट इन टू रेडली इंटरकन्वर्टेबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट लेकिन इंटरकन्वर्टेबल है, लीडिंग टू अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. मीन्स टू से कि ये इक्विलिब्रियम में दोनों फॉर्म होंगी, कोई एक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों फॉर्म एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करेंगी. अमाउंट हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. इट इज़ कॉल्ड टॉटोमेरिज्म एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स. टॉटो जो है ये ग्रीक वर्ड है, मीन्स सेम, और मर का हमें पता है मीन्स क्या होते हैं, पार्ट्स. सिंपली टॉटोमेरिज्म जो है वो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल है. जो हमने FSC में कॉन्सेप्ट लिया था वो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ ज़रा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा. यूज बाय लार इन 1825. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये लार ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. सो टॉटोमर मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मोलिकुलर फार्मूला. बी क्लियर, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होंगे. टेक प्लेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट हाइड्रोजन एटम. किस वजह से हो रही है? ऑसिलेशन की वजह से, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से. हाइड्रोजन एटम अपनी जगह छोड़ के टू एंड फ्रो मोशन करेगा बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम्स, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी दो या दो से ज़्यादा होती है. ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये इसे 1-3 माइग्रेशन भी कहते हैं. वो 1-3 माइग्रेशन की रीज़न अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 1-3 माइग्रेशन क्यों कहते हैं. एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स ऑफ डेस्मोट्रोपिज्म. डेस्मोट्रोपिज्म इसको भी कह देते हैं. टर्म टॉटोमेरिज्म डिस्क्राइब्स द फिनोमेना ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग केमिकली अकॉर्डिंग टू टू स्ट्रक्चर्स. यानी अगर आप केमिकली इनको चेक करेंगे तो दो डिफरेंट केमिकल्स नजर आएंगे आपको. इट इज कॉज ड्यू टू 1-3 माइग्रेशन बाय द वेंडरिंग नेचर ऑफ मोबाइल हाइड्रोजन एटम. कि हाइड्रोजन एटम जो है वो उसकी वॉन्डरिंग नेचर है, वो अपनी जगह छोड़ता है और 1 और 3 के दरमियान चेन में जो है वो पॉलीवेलेंट एटम्स के दरमियान शिफ्टिंग करता है, इसीलिए इसे 1-3 शिफ्टिंग या माइग्रेशन भी कह देते हैं. डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? डेस्मो मतलब है बॉन्ड एंड ट्रोपिज्म मतलब टर्न्स. कि बॉन्ड जो है वो इन टर्न जो है वो चेंज होगा, हाइड्रोजन चेंज होने से बॉन्ड्स की पोजीशन भी चेंज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे हम इसका आइडिया लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है कि जी टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है, हमें पता कैसे चला है. हमने एग्जांपल लिए है एसीटोएसिटिक एसिड, ये ऐसे इथाइल एसीटोएसिटेट भी कह देते हैं, ये स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ की हुई है. बेसिकली देखें तो इसमें एक तो एस्टर लिंकेज है, ठीक है, एक कार्बोनाइल ग्रुप भी है. तो हमारा ये ख्याल था कि इसको कीटोनिक ग्रुप के टेस्ट देने चाहिए या एस्टर के टेस्ट देने चाहिए. हमने चेक किया, टेस्ट फॉर कीटोन्स आपने पढ़े हुए हैं FSC में कि सियानोहाइड्रन, HCN ऐड करते हैं तो ये उसके साथ सियानोहाइड्रन बनाता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन है. या हाइड्रोक्सलामाइन के साथ ऑक्साइम बनाता है, या फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है. ये तीनों टेस्ट कीटो ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स कीटो ग्रुप कन्फर्म हो रहा है. टेस्ट फॉर हाइड्रोक्सल ग्रुप. अब आप स्ट्रक्चर अगर देखें, इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन ये हाइड्रोक्सल के टेस्ट शो कर रहा है, यानी सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसी तरह एसिटाइल क्लोराइड के साथ एस्टर बना के फ्रूटी स्मेल देता है, और अमोनिया और PCl5 के साथ भी ये OH ग्रुप को रिप्लेस करके कंफर्मेशन करता है कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। देन ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या इस स्ट्रक्चर में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? कहीं पे भी नहीं है। तो ये डिस्चार्ज करता है ब्रोमीन वाटर का कलर, जो शो करता है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, जबकि जो कार्बन आयल कंपाउंड होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। इसलिए ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का टेस्ट है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, हालांकि यहाँ पे कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद नहीं है। इनोलिक ग्रुप प्रोड्यूसेस रेडिश वायलेट कलर ऑन ट्रीटमेंट विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन शोइंग इनोलिक ग्रुप। अब ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, हालांकि जो कीटोज हैं, कीटोनिक ग्रुप्स हैं, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन ये कर रहा है। तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, कीटोन के टेस्ट देने चाहिए, OH का भी टेस्ट दे रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी दे रहा है, और इनोलिक ग्रुप का भी दे रहा है, तो इसकी क्या रीज़न होगी? व्हाई इट इज़ गिविंग पॉजिटिव टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप विच आर अपेरेंटली एबसेंट? डबल बॉन्ड भी एबसेंट है, OH भी एबसेंट है, तो ये उसके टेस्ट कैसे दे रहा है? तो देन उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर की तरफ गया, तो आंसर ये निकला कि इसके दो आइसोमर्स हैं। एक तो हमारा वही एस्टर फॉर्म है जो हम कह रहे हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म जो है बेटे, ये देखें, इसमें OH ग्रुप आ गया और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ तो है ही है, सी डबल बॉन्ड सी भी आ गया। हाँ, कीटो एंड इनोल डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज हो रही है, अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में है, यहाँ डबल बॉन्ड अगले स्टेज में कार्बन और कार्बन में हो गया, और इसे चेंज क्या हुआ, प्रोटॉन की पोजीशन, ये वाला प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो कीटो और इनोल डिफर बाय लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड अ हाइड्रोजन एटम, इन दोनों की लोकेशन में फ़र्क आ रहा है। कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है इन एडिशन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड इनोल फॉर्म में OH बॉन्ड होता है जो बॉन्डेड होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, यानी जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके साथ OH ग्रुप भी अटैच होगा, इसीलिए इसको इनोलिक, इन फॉर अल्कीन एंड ओल फॉर OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप कह देते हैं। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स। इट मीन्स अब हमें क्लियर हो गया कि ये क्यों जो है वो ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज कर रहा है, क्योंकि अनसेचुरेशन है। ये क्यों सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, या PCl5 से, या अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, या एस्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर रहा है, वजह इस OH ग्रुप की वजह से है। ठीक हो गया जी। वट इज़ इनोलिक फॉर्म? इन फॉर अल्कीन एंड ओल फॉर अल्कोहल, कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है, इसलिए इसको इनोल्स का नेम भी दे देते। टॉटोमेरिज्म, इफ टू आइसोमर्स डिफर इन प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होनी है। देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे है इस कार्बन के पास, और इनोलिक फॉर्म में यहाँ से एक प्रोटॉन क्या चला गया, यहाँ पे इस कार्बन के पास चला गया। ऑन वन एटम और अनदर, मोस्टली हिट्रो एटम्स के केस में ये चेंज आएगा, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे ये शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के साथ शिफ्टिंग हो रही है। विथ कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, सिर्फ प्रोटॉन नहीं शिफ्ट होना, डबल बॉन्ड की लोकेशन भी चेंज होनी है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, इट मीन्स बॉन्ड की भी पोजिशन चेंज होगी, प्रोटॉन की भी पोजिशन चेंज होगी। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म है इन कार्बन आयल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें आमतौर पर हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है बेटे? कार्बन आयल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अगर उसके पास हाइड्रोजन हो, देर इज अ रैपिड इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है दोनों फॉर्म्स में, यानी ना सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही फॉर्म है या यही फॉर्म है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। परसेंटेज बेशक किसी की ज्यादा हो कम हो, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों की दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी, यानी ये इधर कन्वर्ट हो रही होगी, ये वापस इधर कन्वर्ट हो रही होगी, जैसे ही थायल एसीटो एसीटेट में था। कीटोइनोल में मैंने पहले स्टार्ट में भी बताया कि प्रोटॉन की पोजीशन का डिफरेंस है, लेकिन प्रोटॉन का डिफरेंस भी है और डबल बॉन्ड का भी है, यानी गिव एंड टेक पॉलिसी है।
ये कार्बन क्या करती है, ये कहती है मैं आपको डबल बॉन्ड देती हूँ, बॉन्ड एक दे देती हूँ, एक पाई बॉन्ड दे देती हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए बदले में। तो ये वाली कार्बन उसको बदले में क्या देती है, हाइड्रोजन देती है। ठीक है, गिव एंड टेक पॉलिसी है, इक्वेलिटी प्रिवेल्स है। वो कहता है कुछ दो कुछ लो, मैं भी कुछ देता हूँ और आप भी कुछ दें। तो ये उसको क्या करता है, ये कार्बोनाइल कार्बन उसको बॉन्ड दे देता है और ये वाली कार्बन उसको प्रोटॉन दे देता है। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों नहीं कह सकते। देखिए फंक्शनल ग्रुप भी तो चेंज हो रहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप था, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में डबल बॉन्ड और OH में से तो OH को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसको हम एल्कोहल्स बन रही हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। हम इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही होती थी कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो। लेकिन बेटे प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर हमने सेट किया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, TFMCP, टी फॉर टॉटोमेरिज्म, एफ फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एम फॉर मेटामेरिज्म, सी फॉर चेन आइसोमेरिज्म, पी फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इस ऑर्डर में सबसे पहले टॉटोमर है, अगर ये टॉटोमर्स बन रहे हैं तो फिर हम इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, ना मेटामर्स ना चेन कुछ नहीं बोलेंगे, फिर ये टॉटोमर्स ही कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1,3 माइग्रेशन क्यों कह रहे हैं जी, तो मैंने इसलिए लेबल कर दिया। देखिए ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन का काम कर रही है दोनों साइडों पे, तो इन दोनों को मैंने 1 नंबर कर दिया। सेंटर वाली कार्बन 2 होगी और ये वाली कार्बन 3 नंबर होगी। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग कहाँ से हुई, मैं इधर से करूँ तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करूँगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। प्रोटॉन की शिफ्टिंग कार्बन नंबर 1 से हुई कहाँ पे, थर्ड एटम पे, यानी ऑक्सीजन पे। 1 और 3 के बिटवीन प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं बेटे, 1,3 माइग्रेशन भी कह देते हैं। एक और एग्जाम्पल कीटोइनोल फॉर्म की पीछे भी दी हुई थी, वही यहाँ पे भी डिस्कस हुई है। अब कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इट मीन्स बेसिक कंडीशन। फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म ड्यू टू एबसेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखें ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, जिस कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, कोई सब्सिट्यूएंट लग जाता है, उस कार्बन के पास प्रोटॉन नहीं होता। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इसके पास प्रोटॉन नहीं है। सेम ही केस यहाँ पे भी ये आपकी अल्फा कार्बन, इधर भी प्रोटॉन नहीं है, और ये अल्फा कार्बन तो इस पे भी प्रोटॉन नहीं है। इधर भी यही केस है बेटे, यहाँ दोनों पे ही प्रोटॉन नहीं है। पैराबेंजीन जो क्यूनोन है, इसमें दो के रीजंस हैं, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। कुछ तो कह देते हैं कि रेजोनेंस की वजह से जी इसमें प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है या एक्टिव नहीं है, एक तो ये रीज़न हो सकती है, दूसरी मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इस पे आ जाएं तो ये अल्फा पोजीशन है या ये अल्फा पोजीशन है, दोनों पे दो दो सब्सिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इनके पास भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। अब ये वो क्वेश्चन जो मैंने कहा कि बेंजोक्विनोन जो है या बेंजोक्विनोन जो है, इसके पास अल्फा प्रोटॉन अगर हम सपोज कर लेते हैं तो फिर ये क्यों नहीं शो करता टॉटोमेरिज्म। देखिए बेटे जब हमने ये लेबलिंग की, जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से की है, सपोज ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, इसी तरह ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, या ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ लेबल कर दिया हुआ है, इसीलिए होगा क्या कि ये वाला प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट होगा बॉन्ड जो है, और ये प्रोटॉन यहाँ से ओ के पास चला जाएगा, तो 1,3 शिफ्टिंग हो गई आपकी। प्रोटॉन तो था ना इस कार्बन के पास, रिंग के पास, हर कार्बन के पास जहाँ डबल बॉन्ड होता है एक प्रोटॉन होता है, तो आपने शिफ्टिंग कर दी, ये स्ट्रक्चर बनी, दो कंजेक्टिव डबल बॉन्ड आ गए। जो कंजेक्टिव डबल बॉन्ड्स है ना, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हम कहते हैं ना ऑल्टरनेट आए, कॉन्जुगेशन आए तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, कंजेक्टिव आए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। रीजन क्या है बेटे, इसका इनोल कंटेंट देखें 0%, यानी सिर्फ कीटो फॉर्म ही एग्जिस्ट कर रही, इनोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बेटे अगर मैं इस कार्बन की आपको कहूँ कि हिब्रिडाइजेशन बताएं कौन सी हो, इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन SP बनेगी। क्यों? क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड, एक ऊपर और एक इधर, दो सिग्मा बॉन्ड है। SP का एंगल कितना होता है बेटे, 180 डिग्री, और यहाँ तो एंगल 180 से खासा कम है अगर आप देखें। तो इसको कहते हैं कि स्ट्रेन आ गया रिंग में, जितना स्ट्रेन ज़्यादा होगा उतना रिंग अनस्टेबल होता जाएगा, और इस स्ट्रेन की वजह से ये वाली कीटो फॉर्म ही रहती है, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं होता। यानी जितना आपकी एक्चुअल एंगल और आपकी एक्सपेक्टेड एंगल में डिफरेंस आएगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है जी कि साइक्लोहेक्सानोल का फिर कैसे एग्जिस्ट करेगा टॉटोमर्स। ये साइक्लोहेक्सानोल की टॉटोमर एक फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इस कार्बन को आप देखें, ये वाली कार्बन sp3 है, ये सारी कार्बन जितनी भी हैं इसमें वो sp3 हाइब्रिडाइज होगी क्योंकि बाउंड तो बाहर शिफ्ट हो गया। sp3 का एक्सपेक्टेड एंगल हमें 109 है, कहाँ एक्सपेक्टेड एंगल 180, कहाँ 109। तो यहाँ 109, यहाँ भी एंगल 109 नहीं बन रहा, जहाँ पे भी देखेंगे कम ही बनेगा, लेकिन 109 का और 180 का डिफरेंस देखें तो 180 के लिहाज से ये वाला एंगल जो है वो खासा लेस है, खासा डिफरेंस है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ इतना डिफरेंस नहीं है, कोई 90 का एंगल बन रहा है अराउंड वो, और हमारा जो असल एंगल था हमें एक्सपेक्टेड वो 109 का था, तो डिफरेंस इतना ज़्यादा ना होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसके टॉटोमर्स बन जाते हैं। ये जी बेस स्ट्रेन थ्योरी को फर्दर मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नेम लिखा हुआ है बाईसाइक्लो हेप्टा टू ओन, इसमें भी उसी तरह शिफ्टिंग की आपने, इसके दो इनोलिक फॉर्म्स बन गए। हम इस इनोलिक फॉर्म की बात करने जा रहे हैं कि ये वाली अनस्टेबल है, वो वाली स्टेबल है इनोलिक फॉर्म, रीज़न क्या है। रीज़न देखिए बेटे, ये जो मैंने डॉट रेड की हुए हैं, वहाँ जो कार्बन है उसने सारे सिग्मा बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। sp3 इट मीन्स एंगल कितना है 109, और एक्सपेक्टेड एंगल, और इस ट्राइंगल में एंगल देखें तो कितना होता है 60 डिग्री का। 109 और 60 डिफरेंस है। अब अगला केस ले लें आप, यहाँ पे क्या हुआ, हिब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, एंगल हो गया 120, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कितना है 60। हम मुझे बताएं डिफरेंस किस में ज़्यादा है, 60 और 120 में या 60 और 109 में। ऑब्वियसली 60 और 120 में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, जितना स्ट्रेन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो उतना अनस्टेबल होता जाएगा, इसलिए ये वाली इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती। इसको समराइज भी मैंने कर दिया कि जितना डिफरेंस एक्चुअल एंगल में और एक्सपेक्टेड में ज़्यादा होगा टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन की बेस पे, उतना मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होता जाएगा। क्लियर है, आई होप सो कि क्लियर कर दिया होगा मैंने ये आइडिया आपको। नहीं जी, नेक्स्ट है कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म। एक तो है ना कि जी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये एक एक्स वाई जी का क्राइटेरिया है, ये भी हम यूज़ करते हैं, वही 1:3 क्राइटेरिया। एक्स ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्स शुड नॉट बी हाइड्रोजन इटसेल्फ, यानी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ एक्स कार्बन है और कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन ही लगा देता दोनों साइडों पे तो ये बन जाता एसीटल फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लगने का मतलब है हमें तो ऐसा एटम चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो, ना कि हाइड्रोजन चाहिए। तो पहली कंडीशन क्लियर है कि ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो। वाई कैन बी एनी एटम दैट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, वाई कैन बी एनी एटम दैट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कोई भी एटम हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ भी। जी कैन बी एनी ऑफ दीज कॉन्स, कॉन्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। रूल इज एप्लीकेबल टू इनोलिक फॉर्म विच इज इन सम केसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया हुआ है कीटो फॉर्म के लिए। तो अगर आपको इनोलिक फॉर्म दी हो तो फिर हम अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट की बजाय क्या करते हैं, ये एक्स वाई जी वाला क्राइटेरिया यूज कर लेते होते हैं, ठीक हो गया जी। शिफ्टिंग 1:3 होनी है, वही कार्बन नंबर 3 पे प्रोटॉन जाना है और कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या आ जाना है, डबल बॉन्ड, वो बेशक इधर से कर लें बेशक इधर से कर लें, या अल्फा का भी कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। ये जी जो मॉलिक्यूल 1:3 माइग्रेशन कर रहे हैं उनकी एग्जांपल ली हुई है, ये प्रोपियॉन एल्डिहाइड है बेटे, ये एक्स जिसके पास हाइड्रोजन है, ये वाई जो डबल बॉन्ड बना सकता है, और ये जी ऑक्सीजन है, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये इसकी इनोलिक फॉर्म बन गई।
ये अगला मॉलिक्यूल है ब्यूटा, टू ब्यूटानोन या ब्यूट टू नॉन टू ऑन। तो यहाँ से भी वही बेटे एक्स वाई जी वाला क्राइटेरिया लगाया, ये भी एक्स का काम कर सकता है, ठीक है, ये भी एक्स है, ये वाई है और ये जी है। आपने क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अगला केस है बेटे, ये भी हमारे पास, इसमें भी कुछ इसी तरह हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया और प्रोटॉन यहाँ से 1 3 शिफ्टिंग हो गई। आप इधर से भी कर सकते हैं, लेबलिंग कर दी हुई है आपकी आसानी के लिए, आप इसके दूसरी फॉर्म भी बना सकते हैं। इस तरह ये एसीटोफिनोन है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसी तरह ये फिनाइल एसीटल्डिहाइड है, इसमें भी यही होगा बेटे कि ये बॉन्ड यहाँ चला गया और ये यहाँ से यहाँ ओ एच बन के और प्रोटॉन शिफ्टिंग हो गया। ये जी एग्जाम्पल है जो मैंने कहा कि हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी, तो ज़रूरत जो पड़ती है उसकी कि अल्फा हाइड्रोजन, अब यहाँ इनोलिक फॉर्म दे दी गई है, ठीक है, तो हम अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट तो कीटो फॉर्म पे लगाते हैं। अब हमने एक्स वाई जी वाला क्राइटेरिया लगा लिया बेटे, एक्स कैन बी एनी एटम दैट हैव हाइड्रोजन, वाई कैन बी एनी एटम दैट कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड, एंड जी कैन बी एनी एटम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कॉम्ब्स। हुआ क्या बेटे, वही 1 3 शिफ्टिंग होनी है, तो यहाँ 1 से प्रोटॉन, सॉरी 3 से प्रोटॉन 1 पे चला गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इन दो के दरमियान ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपके पास प्रोपेनोलिटी आ जाएगी। तो इसलिए एक्स वाई जी वाला क्राइटेरिया भी है वैलिड, अल्फा हाइड्रोजन वाला भी है, आप दोनों क्राइटेरियाज यूज कर सकते हैं। ये जी की तो इनोलिक फॉर्म है एसिटल्डिहाइड की, उसी तरह एक्स वाई जी क्राइटेरिया भी लगा दिया मैंने, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एसीटोन की है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इथाइल एसीटो एसीटेट की भी शुरू में आ गई थी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये बाद में देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वो भी अभी आगे डिस्कस होगा। एसीटाइल एसीटोन है, उसकी भी एग्जांपल दी हुई है बेटे इसी तरह, तो ये बीटा डाइकीटोन्स भी हम इनको कह देते हैं। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इवन दूसरी साइड से भी यही शिफ्टिंग हो सकती है, तो दो ओएच भी बन सकते हैं। ये एसीटोफिनोन की भी पीछे एग्जाम्पल डिस्कस कर दी हुई है, इथाइल एसीटेट में भी यही होगा बेटे कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, इन दो कार्बन के दरमियान, वही एक्स वाई जी वाला क्राइटेरिया, ठीक है, और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल शोइंग टॉटोमेरिज्म, कुछ हमें कि जो है वो, ये वही दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं जो शुरू में हमने बेस बनाई थी, कि कीटो फॉर्म्स जो होती हैं वो एडिशन प्रोडक्ट देती हैं, बाई पीपीडी देती हैं, बाइसल्फाइड के साथ कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट है, बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है। कीटो फॉर्म ऑक्साइम्स बनाती हैं एंड फिनाइल हाइड्राजोन्स बनाती हैं जब इनको ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्सलामाइन और जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन से। इनोलिक फॉर्म की पेपर में मैंने देखा था कि ये FeCl3 का कलर डिस्चार्ज करते हैं, जो करेक्टरिस्टिक टेस्ट है इनोलिक ग्रुप का। इसके अलावा ये ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज करते हैं, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करता है। ये डिफरेंट एग्जांपल फर्दर हैं जो कीटो इनोलिक टॉटोमेरिज्म शो कर रही है, उसकी शिफ्टिंग बेटे बताई हुई है कि किस तरह ये प्रोटॉन यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म बनेगी। देन ये भी हो सकता है कि आप जो है वो यहाँ पे भी ये शिफ्टिंग कर दें कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, और इसको क्या करेंगे जी, इस ओ के साथ एच शिफ्ट कर देंगे, ये बॉन्ड रिंग के अंदर शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या ये वाली भी एक फॉर्म बनाई हुई है। तो ये डिफरेंट जो है कीटो इनोलिक फॉर्म्स हैं वो बना के शो की हुई है, फिनोल की भी बनाई हुई है, ठीक है, और अदर भी बनाई हुई है कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल फॉर्म्स, अब मेन हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है। अमाउंट ऑफ इनोलिक फॉर्म्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, मतलब मेनली कीटो फॉर्म ही होती है। अब रीज़न क्या है कि क्यों कीटो फॉर्म ही होती है, क्यों इनोलिक फॉर्म नहीं आती बेटे? सिंपल रीज़न तो ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ की पोलैरिटी की वजह से कीटो फॉर्म ज़्यादा होती है, और इनोलिक फॉर्म में सी डबल बॉन्ड सी होता है जो नॉन पोलर होने की वजह से कम होती है। बाकी हमने इनर्जीज को कंपेयर किया हुआ है कि सी डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी इतनी है, सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी इतनी है, ओ एच की एनर्जी इतनी है और सी एच की इतनी है,
लेकिन फिर भी डिफरेंस रहता है। ये कीटो फॉर्म में जब होता है तो इसकी एनर्जी टोटल इनकी मिला के सारे बॉन्ड्स की 1502 है, फिनॉलिक फॉर्म में 1433 है, तो डिफरेंस 69 का रह जाता है। इट मीन्स कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 69 किलो जूल पर मोल एनर्जी से एज कम्पेयर टू इनॉलिक फॉर्म। ये जनरल ट्रेंड है, आगे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। तो जनरली फॉर मोस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने क्या कहा जी, कीटो फॉर्म स्टेबल होगी और ऑलमोस्ट 1% से भी लेस इनॉल कॉन्टेंट होता है। जैसे एसीटोन के केस में 99.9% कीटो फॉर्म है और 0.1% इनॉल है, या इवन अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, दो अल्फा आपके पास हाइड्रोजन हो गई तो दो तरह के आपने इनोल बना दिए इसके, लेकिन फिर भी परसेंटेज दोनों की मिला के भी क्या है, लेस देन 1%। ये दूसरा केस है जी, हमने पहला तो हमने एसीटोन का ले लिया, दूसरा ये केस है आपके पास। इसमें देखें अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1-3 शिफ्टिंग पॉसिबल है, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ गया और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया। स्ट्रक्चर बी में इट मीन्स आप देखें तो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हैं, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन आ गई। तीसरा केस ये है एसीटोफिनोल वाला, इसमें भी आपने शिफ्टिंग की, ये इनोल बना इसका। इस इनोल में भी देखें तो रिंग में तो रेजोनेंस होती होती है, अगेन सिंगल डबल सिंगल यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन आ गई। अब कॉन्जुगेशन इसमें भी है, कॉन्जुगेशन इसमें भी है, और एसीटोन वाली जो इनोलिक फॉर्म है इसमें देखें तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। मीन्स अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ ए बी सी को, तो किसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? ए तो लीस्ट स्टेबल होगी, वो तो एंड पे चलेगी ना, क्यों? क्योंकि उसकी तो आपके पास कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, और जितनी कॉन्जुगेशन हो उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब मसला हमें बी और सी में डिसाइड करने का है कि बी और सी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटे ये जो बेंजीन रिंग होता है आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। विथड्रॉइंग होने से क्या होगा, ये चार्ज डिस्पर्स कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा ये बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि रेजोनेट करना शुरू हो जाएंगे। जितना चार्ज डिस्पर्स हो जाए उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब है इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल इनोल ये वाली होगी। तो ऑर्डर ये बना कि ये सी वाली सबसे स्टेबल, बी वाली उससे कम, और ए वाली सबसे कम होगी। रीज़न मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, विथड्रॉइंग होगा चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यही बातें मुझे यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं दोबारा कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग है और कॉन्जुगेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे इनॉलिक कंटेंट बढ़ जाता है। इसका मतलब जितने भी ड्राइंग ग्रुप ले ज़्यादा लगेंगे कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। डोनेटिंग लगेंगे कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स डोनेटिंग के साथ कॉन्जुगेशन का इन्वर्स, स्टेबिलिटी का इन्वर्स, और विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इन ऑल दीज केसेस डिस्कस्ड कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, है कीटो स्टेबल, लेकिन अगर तीनों की इनोल को कंपेयर करें तो इनोल तीनों में से सबसे स्टेबल जो है वो एसीटोफिनोन की इनोलिक फॉर्म इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल है। नहीं जी, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म असीटो एसिटिक एस्टर, परसेंटेज इनोलिक फॉर्म इसमें 8% है। अब देखिए हमने कहा था 1% होती है, इसमें 8% होगी, कंपेरेटिवली देखें तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ 1 कहाँ 8। ये 1 से 8 इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आ रहा है इनोलिक फॉर्म में? तो उसकी दो रीजंस हैं, एक तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रा और इंटर में फर्क पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, ये सेम मॉलिक्यूल है, पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये जो इनोलिक फॉर्म में यहाँ पे भी डॉटेड करके शो की हुई है, ये दो इनोलिक फॉर्म इसकी बनती हैं, ठीक है। तो दोनों इनोलिक फॉर्म्स को मैंने बना दिया है यहाँ पे, और मेनली ये कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दो यहाँ पे चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबल कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ ले बन गई, चीलेशन होगी वो स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर इसको कर देगी। सेकेंडली क्या हुआ, कॉन्जुगेशन शुरू हो गई, डबल बॉन्ड कार्बोनाइल वाला, सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ तक कॉन्जुगेशन भी है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिल के क्या करते हैं, इसके इनोल को थोड़ा स्टेबल कर देते हैं, और इनोल स्टेबल होकर परसेंटेज बढ़ गई 1% से 8%। अब डाइकीटोन ले लिया जी हमने, इनको इसको बीटा डाइकीटोन भी कह देते हैं, 1-3 डाइकीटोन भी कह देते हैं, एसीटाइल एसीटोन इसका नेम है, या आईयूपीएसी नेम भी लिखा हुआ है। ये जो है वो फ्रैक्शन ऑफ इनोल टॉटोमर इन एक्वा सॉल्यूशन इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन सिंपल कीटोन्स।
आम की टोन्स की निस्बत इसकी एक कंटेंट्स या परसेंटेज देखें 15% हो गई है। पहले 1% थी, फिर 8 तक आए, अब इसमें 15% हो गई है। रीजन रीजन क्या देंगे जी हम इसका? कहते रीजन ये है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, वही इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कहते हैं कि व्हेन अ लुईस बेसिक ग्रुप इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेस द इनोल फॉर्म। ये आपके पास इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा है। दिस कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट कंप्लीट टू द राइट, डिपेंड करेगा ठीक है, कुछ केसेस में ये टूवर्ड्स राइट चला जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दो रीजन है अगेन, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दूसरा कॉन्जुगेशन आ गई, अगेन डबल सिंगल डबल सिंगल। कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया और इनोलिक कंटेंट बढ़ गया। कहता है कि ये कॉन्सेप्ट इवन तब भी है कि अगर आप मिथाइल की जगह कोई अल्कॉक्सी ग्रुप लगा दें, कोई अमाइन लगा दें, रेशियो चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टिल एग्जिस्टेंट रहेगी। परसेंटेज बढ़ गई डाई की टोन में कंपेयर टू सिंपल की टोन्स। पहले 1% थी सिंपल की टोन्स में ठीक है, फिर हमने जो पीछे केस देखा है एस्टर वाला, एसीटो एसेटिक एस्टर वाला, इसमें 8% होगी, डाई की टोन लिया तो 15% होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दो फैक्टर देखें जो कि नोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को बढ़ रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देंगे, दूसरा कॉन्जुगेशन है, ये दोनों स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये उसी की बेटे फर्दर जो है वो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ ओ के साथ एच का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो बताया हुआ है बेटे, बाकी बॉन्ड डिस्टेंसेज वगैरह बताए हुए हैं, और ये बताया हुआ है कि ये कॉन्जुगेटेड है डबल सिंगल डबल बॉन्ड, इस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इसका मतलब है इनोल की स्टेबिलिटी के अभी तक हम जो रीज़न पढ़ रहे हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है, आर ए एंड बी, ये दो फैक्टर्स हैं ठीक है जी। एक तो एरोमेटिक फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगी, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर यही होता है कि इनोल अगर स्टेबल हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं इनोल एरोमेटिक तो नहीं बन रही? अगर एरोमेटिक बन रही है तो वो इनोल सबसे स्टेबल हो जाती है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्राइटेरिया में मेन रोल प्ले करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड एरोमेटिक है, इन डिटेल तो बेटे हम पढ़ेंगे हमारा अगला चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन का है उसी में। बहरहाल शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं, क्राइटेरिया होता है कि साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल हो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हो, अल्टरनेट, हमने पढ़ा हुआ है डीलोकलाइज बॉन्डिंग में, और ये मेन है जी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या हकल्स रूल को ओबे करें ठीक है। इसके अलावा ये जो दो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, इसके अलावा कॉन्जुगेशन भी है जो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, इनोल को सॉल्वेंट भी है, लेकिन हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा ही चाहिए। तो ये बेटे हकल्स रूल मेन है अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक चेक करना है, यानी इस रूल का ये क्राइटेरिया था कि किसी में 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तो एरोमेटिक होगा। जैसे बेंजीन है, आपने एन की वैल्यू पुट करनी है 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 1 पुट करें तो आंसर आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइक्लिक भी है मॉलिक्यूल, प्लेनर भी है, sp2 भी है, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड भी है, इसलिए वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये जी फिनोल की एग्जांपल अब हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ केस, ये फिनोल है, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म। हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो सारी कार्बन के पास प्रोटॉन एक हो गया एक्सेप्ट दिस वन, और ये वाली फॉर्म बन गई। इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए बेटे? देखें सारे बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो गए, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी फॉलो हो रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, मॉलिक्यूल सारी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज भी है, तो इस वजह से इसका इनोल कंटेंट तकरीबन 100% इनोल ही बनती है, कीटो फॉर्म बनती नहीं है, कीटो फॉर्म रहती नहीं है, ये सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कीटो फॉर्म इज लेस स्टेबल देन इनोल फॉर्म, की वजह क्या है, कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं है और इनोल एरोमेटिक है, और इसी वजह से इनोल जो है वो स्टेबल है। ये भी परसेंटेजेस बता दी, 99.8% आपके पास इनोलिक फॉर्म है। यहाँ पे पहले हम देख रहे थे कि कीटो फॉर्म ज़्यादा है, 99.9% है, फिर हमने देखा जी नहीं, एसीटो जो एसिटिक एस्टर था उसमें 8% इनोलिक फॉर्म होगी, फिर हमने बीटा डाइकीटोन में देखा 15% होगी,
अब यहाँ इनॉलिक फॉर्म 99.8% होगी, यानी इनॉलिक फॉर्म बढ़ रही है। वजह क्या है कि यह हक्कल रूल को ओबे करते हुए एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। रेजोनेंस एनर्जी अगर आप बेंजीन रिंग की देखें तो 57 किलो जूल है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इसको स्टेबलाइज कर रही है। प्लस इसमें यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ये जो रिंग का हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन OH का O है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। थोड़ी डॉटेड सी लाइन लगा के इसको भी क्लियर करने की कोशिश की है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्टेंट है। इनोल फॉर्म एरोमेटिक होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है। ये डेटा दिया हुआ है बाउंड एनर्जीज का कि इनोल फॉर्म का जो है वो बाउंड एनर्जी इतनी है, फिर रेजोनेंस एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी बनती है, जबकि कीटो की इतनी बनती है, इसलिए डिफरेंस इतना आ रहा है। यानी जो फिनोल है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी की जो है वो स्टेबल है, इतने ज़्यादा डिफरेंस की वजह से वो स्टेबल हो जाता है। ये अगली एग्जाम्पल्स हैं, इनमें भी कुछ यही केस है। देखें ये नॉन एरोमेटिक है, मोर स्टेबल है क्योंकि कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी, ऑल्टरनेट हो गया बाउंड्स, ठीक है। फर्दर करते करते टोटली एरोमेटिक होगी, इट मीन्स ये कीटो फॉर्म अनस्टेबल है और ये भी सारी की सारी क्या बन जाएगी, इनोल ही बन जाएगी, क्योंकि उसकी कीटो फॉर्म्स बनाई हुई है, कीटो से इनोल फॉर्म भी, ये भी बनाई है, ये भी बनाई है, ये भी बनाई है, और मोस्ट स्टेबल इनोल ये वाली होगी। इसकी भी इसी तरह इनोल बनाई हुई है, इसमें भी एरोमेटिक करेक्टर आ गया, ये भी स्टेबल होगी। इसी तरह बेटे इसकी भी बनाई हुई है, ये शुरू में भी थी एग्जाम्पल, ये हाईली स्टेबल है, एरोमेटिक है, 100% इनोल ही होगा। वजह क्या है कि ये भी एरोमेटिक है, 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ गया, इसमें बेंजीन रिंग बन गया, ये भी मोस्ट स्टेबल होगा, यानी 100% इनोल है। पहले हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 100% कीटो फॉर्म थी, अब 100% इनोल फॉर्म के केस देख रहे हैं। ये भी कुछ ऐसा ही केस है, हियर इनोल फॉर्म इज अगेन स्टेबल देन द कीटो फॉर्म, कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्लस रिपल्शन भी है। रिपल्शन क्यों है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, सिज फॉर्म है, सिज फॉर्म होने की वजह से ये लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये खासा अनस्टेबल हो जाता है, जबकि इसकी इनोलिक फॉर्म में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑक्सीजन इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में कर रहे हैं, इसलिए ये 100% इनोल है। ये भी यानी तीन और ये चौथा केस हो गया जहाँ अपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनोल वाला भी 100% ऑलमोस्ट, ये वाला भी 100% था ऑलमोस्ट, ठीक है, फिर ये भी और ये भी और देन ये भी, इन सब में 100% इनोल ही बन रही है, क्योंकि या तो एरोमेटिक हो रहा है या फिर इस तरह का भी केस हो सकता है कि रिपल्शन आ जाती है। इनोल ग्रेटर देन कीटो, हेयर इनोल फॉर्म इज अगेन मोस्ट स्टेबल, 96% है देन कीटो फॉर्म। रीजन कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोलिक फॉर्म विच इज एब्सेंट इन कीटो फॉर्म, ऑल दो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन बोथ द केसेस। ये मैंने इसकी दोनों इनोलिक फॉर्म्स बनाई हुई हैं। अब पहले तो इन दोनों इनोल्स में से इनोल ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली नहीं होगी। वजह मैंने पीछे बताया कि कंजेक्टिव डबल बॉन्ड्स नहीं लेते, वो स्टेबल नहीं करते मॉलिक्यूल को, ऑल्टरनेट लेते हैं, कॉन्जुगेटेड लेते हैं। यहाँ कॉन्जुगेटेड है सिग्मा सिग्मा पाए सिग्मा और ये भी पाए, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इस वजह से। और प्लस ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हैं, ये वाला ये भी और ये भी दोनों विड्रॉइंग भी हैं। फिर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कीटो फॉर्म में कहीं नहीं बन सकती, तो ये सारे फैक्टर्स मिल के इस इनोलिक फॉर्म को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, 96% इनोल कॉन्टेंट स्ट्रक्चर का। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके, अब देखिए इनोलिक फॉर्म्स हमने बनाई हुई शिफ्टिंग करके। पहले केस में क्या किया है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला बन गया, और इधर भी किया, एक प्रोटॉन इधर को भी शिफ्ट कर दिया हमने, ये आपके पास, यानी यहाँ से प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया एक स्ट्रक्चर पर। अगली स्ट्रक्चर में क्या किया है आपने, अगली स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ इधर से शिफ्टिंग की है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, डबल हो गया और यहाँ एच लग गया। इस स्ट्रक्चर में क्या किया है, स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ इधर से शिफ्टिंग की, ठीक है, बॉन्ड इधर शिफ्ट किया। और लास्ट वाली में आपने क्या किया कि आपने ये भी जो है बॉन्ड, ये प्रोटॉन शिफ्ट किया इधर से इधर को, चार पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपने ले लिए। अब हमने डिसाइड करना है इन चारों में से इन होल फॉर्म कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, रिलेटिव कंपेरिजन में लगा। स्ट्रक्चर वन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर वन में देखें तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर वन में डबल सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब है ये तो लीस्ट स्टेबल हो गई, ये तो निकल गया, ठीक है। अब दो तीन स्ट्रक्चर रह गए, इन तीनों को देखते हैं, ठीक है, इन तीनों में से अब हमने देखना है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। इस वाली की बात करें तो इसमें ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें कोई भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं है।
और हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी भी स्टेबिलिटी कम है। इट मीन्स ये दो स्ट्रक्चर्स तो निकल गई, थ्री और फोर में हमें अब डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेबल है। देखिए अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और रिंग विड्रॉइंग होता है, यानी रिंग की कोशिश है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए और अल्काइल की कोशिश है कि इलेक्ट्रॉन उससे अवे जाए, ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो ये रहा है बेटे कि आपने ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट किया है, यानी आप इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेज रहे हैं, आपने ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट किया, जब यहाँ शिफ्ट किया तो अल्काइल वाली साइड को किया है, आपने इधर को नहीं किया, रिंग वाली साइड पे नहीं किया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिंग से अवे जा रहे हैं और अल्काइल की साइड पे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टूवर्ड्स अल्काइल साइड है अवे फ्रॉम द रिंग। इट मीन्स जो हमने कहा था कि विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है कॉन्जुगेशन को, डोनेटिंग कम करता है, ऐसे ही था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग की तरफ ही भेज रहे हैं, वो तो रिपेल करेगा, और विड्रॉइंग से अवे भेज रहे हैं, उसको ज़रूरत थी, तो इट मीन्स आपने ऑपोजिट काम किया, इस वजह से ये भी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। ये वाली सबसे स्टेबल है, इसमें कैसे स्टेबिलिटी है, इसमें बॉन्ड शिफ्ट देखें क्या हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, रिंग वाली साइड पे शिफ्टिंग शुरू की आपने, ठीक है, यानी इधर से अवे चला गया, अल्काइल से अवे चला गया, रिंग की साइड पे चला गया, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो जाएंगे और इधर से अवे चले जाएंगे, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाएगी, जितनी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो ये रीजंस बेटे उसी के लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर वन लेस स्टेबल है कॉन्जुगेशन ही है, स्ट्रक्चर टू लेस स्टेबल है, रीजन क्या है कि उसमें कार्बन कार्बन के दो डबल बॉन्ड हैं, कार्बन ऑक्सीजन वाला कोई नहीं है। थ्री और फोर में से हमने डिसाइड करना है, थ्री हमने कैंसिल कर दी, क्यों कैंसिल कर दी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं अवे फ्रॉम द मिथाइल और टूवर्ड्स मिथाइल और अवे फ्रॉम रिंग, हालांकि मिथाइल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे और रिंग चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले, आपने उसके ऑपोजिट काम किया। तो स्ट्रक्चर फोर मोस्ट स्टेबल है जिसमें रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और मिथाइल से इलेक्ट्रॉन अवे शिफ्ट कर रहे हैं। ये जी परसेंटेज इनोल कंटेंट के लिए एक और एग्जांपल आपके पास ली हुई है, अगेन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया बेटे, ठीक है, और यहाँ से ये CH2 ग्रुप था, एक प्रोटॉन यहाँ चला गया, अगेन इसमें देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंटरमोलिक्यूल यहाँ हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई, डबल सिंगल डबल भी हो गया, तो स्टेबलाइज हो गई इनोलिक फॉर्म मेलॉन एल्डिहाइड की, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं कॉन्जुगेशन को, ये हमने पढ़ा था, अब हम उसका इफेक्ट चेक करने लगे हैं, ठीक है। थस डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ इनोलिक फॉर्म इन एसिटाइल एसीटोन एंड इनोल इज 76%। देखें यहाँ मैक्सिमम इनोल थी, अब हमने इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किस से, मिथाइल से, ये मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, जब आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुई, कॉन्जुगेशन भी हो गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से हमें पता है कॉन्जुगेशन कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो 76% आपकी इनोल फॉर्म है, 24% क्या हो गई, कीटो फॉर्म। अब हमने क्या किया, यहाँ एक प्रोटॉन को एक और मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दो पहले ही थे, तीन लगा दिए, जब तीन लगा दिए अब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रही है, लेकिन इनोल कॉन्टेंट कितना रह गया, 44%, यानी कीटो फॉर्म इनोल से भी ज़्यादा स्टेबल हो गई, तकरीबन 100% इनोलिक थी, तकरीबन 90% प्लस इनोलिक थी, दोनों साइडों पे मिथाइल लगाया 76% इनोलिक रह गया, फिर तीसरा भी मिथाइल लगा दिया तो 44% की इनोलिक रह गया, बाकी सारा क्या 56% क्या बन गया, कीटो। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो इनोलिक फॉर्म का कंटेंट कम हो जाएगा, विड्रॉइंग लगेगा तो इनोलिक का कंटेंट बढ़ जाएगा, पीछे हमने इनोलिक लगा के भी देखा था, सॉरी विड्रॉइंग भी लगा के देखा था, अब डोनेटिंग भी लगा के। ये जी एसिटाइल एसीटोन में भी हम बताने लगे हैं, ये मॉलिक्यूल में 92% कीटो फॉर्म है, 8% इनोलिक फॉर्म है, रीजन क्या है जी, कहते हैं एज अ रूल इफ टू कीटोनिक ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय मिथाइलिन ग्रुप देन इनोलिक फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनोलिक फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, यहाँ CH2 ग्रुप की सेपरेशन तो आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्रॉब्लम वही है कि ये वाला जो ग्रुप है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इधर भी लगा हुआ है, वेरी और स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ये भी लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी, कॉन्जुगेशन कम हो गई तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, हमने कहा था डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली यूटिलेट करते हैं, तो
मेन फैक्टर यही है, इसीलिए एसीटाइल एसीटोन में कीटोनिक करंट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह यह है, होना नहीं चाहिए था हालांकि, लेकिन ज़्यादा होने की वजह यह है कि ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जो क्या करता है, कॉन्जुगेशन डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। एक और एग्जाम्पल है जी, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अभी हमने पीछे तो रिंग स्ट्रेन देखा था ना, यहाँ एक नया फैक्टर देखने लगे। इन एसिटोएस्टिक एसिड कीटो फॉर्म इज 92%, एज इनोल फॉर्म इज स्टेबल बट नॉट एज मच स्टेबल एज कीटो फॉर्म ड्यू टू सी डबल बॉन्ड हो और ओवर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। ये पिछले वाले के इसका बेटे रीजन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेट अस टेक एन अदर एग्जाम्पल। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये इसकी इनोलिक फॉर्म है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है, ये कीटो फॉर्म या इनोलिक? जनरली तो कीटो ही स्टेबल होती है और यहाँ कीटो ही स्टेबल है और इतनी स्टेबल है कि 100% कीटो फॉर्म है, इनोल है ही नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न है दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। वाई एंटी एरोमेटिक? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चेक एंटी एरोमेटिक? साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, लेकिन ये 4n+2π नहीं, 4n π इलेक्ट्रॉन रखेगा। n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, आप 1 पुट करेंगे यहाँ कितने हो जाएंगे, 4π इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो डबल बॉन्ड है, 4π इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड अनस्टेबल, तो 100% कीटो फॉर्म बन गई। एक और केस आ गया 100%, पहले हम 100% इनोलिक फॉर्म का देख रहे थे, यहाँ 100% कीटो फॉर्म बन रही है क्योंकि इनोलिक फॉर्म एंटी एरोमेटिक है। ये एक और एंटी एरोमेटिक का केस आ गया अगेन। यहाँ पे देखें, ये आपकी कीटो फॉर्म थी, आपने इनोलिक फॉर्म ड्रॉ कर दी। ये बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं, रिंग में घूम भी सकते हैं, आपको पता है, रेजोनेट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, क्यों किया? ये देखिए कॉन्जुगेशन में आ गया, 4π इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक, इसी वजह से ये भी 100% कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ले जी, अब हमने जितना पढ़ा है ना उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ये आपको चार कंपाउंड दिए गए हैं, आपको कहा गया है कि इनमें इनको अरेंज कर दें ऑर्डर में कि किसका इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट के ऑर्डर। इसका तो इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट लेस देन 1% है ना, पीछे हमने पढ़ा भी था, पढ़ा था ना। अब हम इसको रिवाइज करने लगे, मैं इनकी इनोलिक फॉर्म ड्रॉ करता हूँ अभी, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। इनोल कैसे बनेगा बेटे? यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होना है और प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाना, तो ये वाली फॉर्म बनी। क्या इसमें कोई रेजोनेंस है? नहीं है। कोई कॉन्जुगेशन है? नहीं है। ये आपके पास एसिटोफिनोन की है, डबल सिंगल कॉन्जुगेशन तो नहीं लग रही इसमें भी। अच्छा जी, ये फिनोल है, ये तो 100% बनेगी ना, 99.8% हमने पढ़ा हुआ है कि एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल होगा, तो सबसे स्टेबल तो डी मॉलिक्यूल हो गया, इनोल फॉर्म सबसे ज़्यादा इसी की होगी। डी के बाद किसकी होगी? इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, और फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ठीक है। तो डी सबसे ज़्यादा इनोल कंटेंट रखेगा, फिर सी रखेगा। बी और ए में से किसके होंगे? तो बी ओनली कंटेन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन है इसमें डबल सिंगल, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है सच, ये सिर्फ रिंक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, बेसिकली कॉन्जुगेशन तो नहीं हम कह सकते हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट है रिंक का, उस वजह से थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा इनोल कंटेंट, पर यहाँ कुछ भी नहीं है बल्कि डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ना कॉन्जुगेशन है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, इस वजह से सबसे कम इनोल कंटेंट ए के होगा। ये एक और केस है, अरेंज द थ्री कंपाउंड इन इनोलिक कंटेंट ऑर्डर। ये तो अभी आपने पढ़ा है वही है, इसकी इनोल फॉर्म वही है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स लगा दिए, इसकी भी हम इनोल फॉर्म पीछे पढ़ गए हैं, इसकी भी पढ़ गए हैं। ये देखिए दोनों ग्रुप की नेचर देखें रिंग के वालों की क्या है जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं। इट मीन्स दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, कॉन्जुगेशन भी होगी, ठीक है, और विड्रॉइंग ग्रुप्स भी लगे हुए हैं इस मॉलिक्यूल में, ना तो ग्रुप डोनेटिंग लगा है ना विड्रॉइंग लगा है। कॉन्जुगेशन इसमें भी है, डबल सिंगल डबल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें हो जाएगी, तो इट मीन्स बी मोस्ट स्टेबल, उससे कम लीस्ट लेस स्टेबल सी, और ए इनमें से लीस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ उसमें कॉन्जुगेशन है नो डाउट, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लेकिन उसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए मिथाइल, तो कॉन्जुगेशन को कम कर देते हैं। ये देखें इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि बी हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड, इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ए एंड सी हैज़ कॉन्जुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट सी हैज़ नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 84% इनोड कॉन्टेंट है। और ए में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी कम होते होते 76% रहेगी। ये कुछ डेटा दिया हुआ है बेटे कंपाउंड्स की जो है वो इनोल कॉन्टेंट्स का, स्टेरिक के साथ जिनका लिखा हुआ है ट्रेस लिखा हुआ है लेस देन 1 ppm है, 1 parts per million से भी कम मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बाकियों की दी हुई है जिसमें 0.1% या 0.3% या इसी तरह 100% भी है किसी की इनोल कॉन्टेंट्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं जिनका इनोलिक और कीटो फॉर्म्स में कॉन्टेंट्स पता चल जाएंगे। इनोलिक दिए हुए हैं तो कीटो निकाल। नेक्स्ट है जी हमें देखना है कि सॉल्वेंट भी कोई रोल प्ले करता है। तो बेटे याद रखें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनोल परसेंटेज को डिक्रीज करता है, यानी कीटो फॉर्म को फेवर करता है। पोलर तो पता ही है, प्रोटिक जो प्रोटॉन दे सकता है जैसे वाटर है, एथेनॉल है, एसिटिक एसिड है। विदाउट सॉल्वेंट इसके इनोल कंटेंट 76% थे, ये वाला मॉलिक्यूल इस इनोल में 76% था। जब आप वाटर सॉल्वेंट डालते हैं तो परसेंटेज इनोल 20% रह गई है, यानी 80% कीटो फॉर्म बन गई, मेजरली कीटो फॉर्म बन गई, यानी टोटली समझ लें मैक्सिमम कीटो फॉर्म में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट। इसकी बजाय अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे एसीटोन तो परसेंटेज इनोल कंटेंट बढ़ जाएंगे 76% से। इनोल कंटेंट्स ऑफ एसीटाइल एसीटोन इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं, ये बेटे डेटा के साथ बता दिए गए हैं कि वाटर में इतने हैं, एसीटो नाइट्राइल में इतने हैं, प्योर लिक्विड फॉर्म में इसके इतने हैं और हेक्सेन में इतने हैं। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट आया तो देखिए इनोल कंटेंट बढ़ गए। वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि आ जाती है कीटो फॉर्म के साथ भी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज कर जाती है। इन वाटर एज अ सॉल्वेंट इनोल कंटेंट जो है इनोल कंटेंट इज 0.4%, इन टॉलिन एज अ सॉल्वेंट इनोल कंटेंट इज 20% है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर स्टेबलाइजेस कीटो फॉर्म, यानी इस ये वाला आपने कंपाउंड लिया कि अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो फिर जाहिर है ये अपने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये वाली फॉर्म स्टेबल होगी, लेकिन अगर आप पोलर लेंगे तो फिर ये वाली जो कीटो फॉर्म है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाएगी। तो ये बताया हुआ है कि इनोल कंटेंट 0.4% था वाटर में क्योंकि वाटर के साथ कीटो फॉर्म ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। टॉलिन जब यूज़ किया नॉन पोलर है तो 20% हो गया इनोल कंटेंट, क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं की और ये अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर करके ही स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके इंटरकन्वर्जन भी पॉसिबल है। अ हाइड्रोजन ऑन अ कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन आयल कार्बन इज समवट ईसिलिक, जो कार्बन आयल कार्बन के साथ हाइड्रोजन साथ वाली कार्बन की हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक होती है। इंटरकन्वर्जन ऑफ टॉटोमर्स इज कैटलाइज बाय एसिड्स और बेसिस, यानी आपको एसिड या बेस एज अ कैटलिस्ट में यूज करते हैं। कीटो इनोल इंटरकन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड कीटो इनोल टॉटोमरिज्म और इनोलाइजेशन। पहला मैकेनिज्म है जी बेस कैटलाइज्ड, बेस डाली आपने जो है सेकेंड ईयर में वो पढ़ा होगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेस क्या करती है, यहाँ से प्रोटॉन ले लेती है, जब ये प्रोटॉन लेगी यहाँ से, ठीक है प्रोटॉन लेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे रह जाएंगे, कार्बन पे चार्ज आ गया, नेगेटिव कार्ब इनाइन बन गया। टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन, एनाइन फॉर्म्ड हैज टू रेजोनेंस, सॉरी ये TOW नहीं TWO है, टू रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इनोलेट आयन बन गया, ठीक है। ये दोनों इसके क्या बन गई, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई, कार्बन आयन ये वाला कार्बन आयन बन गया और एक इनोलेट आयन ये वाला इनोलेट आयन बन गया, इसलिए डबल हेडेड एरो है कि रेजोनेंस हो गया। प्रोटीनेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स अ इनोल टॉटोमर, अगर आप वही वाटर डाल देंगे तो वाटर इसका प्रोटॉन इसको रिटर्न करेगा, ठीक है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका इनोल टॉटोमर बन जाएगा। प्रोटीनेशन ऑन अल्फा कार्बन, अगर आप वाटर देते हैं और वो अल्फा कार्बन पे, यानी दोनों फॉर्म्स जो हैं तो अगर वो अल्फा कार्बन के को प्रोटॉन दे दे तो दोबारा यही कीटो टॉटोमर क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस्ड हो जाएगा। दिस इज बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ कीटो फॉर्म इज प्रोटीनेटेड, ठीक है आपने प्रोटॉन दिया, वाटर हाइड्रोनियम आयन दे दिया, उसने अपना प्रोटॉन एक दे दिया इस ऑक्सीजन को जो कार्बोनाइल वाली थी, ठीक है तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए बेटे, इसलिए फॉरन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाके प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी वाटर ने क्या किया,
प्रोटॉन रिमूव कर लिया अल्फा कार्बन से, पहले हाइड्रोनियम ने प्रोटॉन दिया, वाटर ने प्रोटॉन रिमूव कर दिया। तो पहले हमने एक बताया कि प्रोटीनेशन हुई, फिर वाटर ने रिमूव कर लिया प्रोटॉन और इनोल फॉर्म आपके पास बन गया, ठीक है। और ये रिवर्सिबल है, मतलब वापस भी जा सकता है। दीज स्टेप्स आर रिवर्स इन द बेस एंड एसेंट्रलाइज डायरेक्शन, मतलब ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कीटो इनोल ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस मतलब अब कोई भी आपने एसिड या बेस नहीं डाला, अब ये खुद ही आपस में मॉलिक्यूल खेलना शुरू हो गए, ठीक है, खुद ही आपस में खेल रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन दे देता है, दूसरा ले लेता है। ये अल्फा हाइड्रोजन थी, ये अल्फा हाइड्रोजन उसने कार्बोनिल ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, ये देखिए ये डोनेट हो गई। तो ये खुद क्या बन गया, इस पर खुद पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बिन आयन बन गया। तो कार्बन आयल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बी की जो है वो रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल ए, ये बी मॉलिक्यूल है, ये ए है, बी ने ए से क्या कर लिया, प्रोटॉन छीन लिया, ले लिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ए की कार्बोनिल ने भी क्या किया, उसने भी बी से प्रोटॉन ले लिया, फॉर्मिंग इनाइन ए एंड अ केटाइन बी, ये बन गया जी इनाइन ए बन गया, केटाइन इनाइन ए बन गया और केटाइन बी बन गया। द कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ ए रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन, इसने बी की अल्फा कार्बन से प्रोटॉन ले लिया। जब बी की अल्फा कार्बन से प्रोटॉन लिया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, प्रोटॉन यहाँ से यहाँ इसने उसे ले लिया, तो ये बन गई इनोलिक फॉर्म, ठीक है। और जब इसने प्रोटॉन दे दिया तो ये भी बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये भी क्या बन गई इनोल फॉर्म बन गई। तो ये ऑटो प्रोटोलाइसिस है कि एक ने दूसरे को और उसने बदले में दूसरे को दोनों को ही क्या कर दिया इनोलिक फॉर्म में ले गया। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं जी, ट्राइड सिस्टम जहाँ तीन एटम्स हैं, जैसे ये नाइट्राइड फॉर्म है और नाइट्रोसो फॉर्म है जी, ठीक है, वही एक्स वाई जी आपका हो गया, एक्स के पास प्रोटॉन है, वाई कोई भी एटम हो सकता है और जी जो है वो डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। ये प्रोटॉन बेटे यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपने पूरी रखनी है, तीन बॉन्ड बनाती है, तो बेटे एक ऑक्सीजन के साथ उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ये जब प्रोटॉन शिफ्ट होगा एक के साथ डबल ही रहेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ये हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होगी, तो नाइट्राइट और नाइट्रो फॉर्म हो गए, नाइट्रोइथेन में आ जाए, उसमें भी इसी तरह हो रहा है बेटे, ये एक्स वाई जी और ये शिफ्टिंग होगी, इसको नाइट्रो सूडो नाइट्रो फॉर्म भी हम कह देते हैं। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म ये भी है बेटे आपके पास, इसमें भी क्या होना है कि आपकी कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करनी है आपने कहाँ, ओ के पास, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म ये भी बेटे उसकी भी एग्जांपल आपको दी हुई है, ये प्रोटॉन शिफ्ट करना है आपने, यहाँ शिफ्ट करना है, जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस ऑक्सीजन के भी बॉन्ड का इशू आएगा और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स का भी इशू आएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह ये बॉन्ड भी सिंगल, ये भी सिंगल और यहाँ एच लग गया, तो नाइट्रो और एसी नाइट्रो पर इनमें से ज़्यादा स्टेबल नाइट्रो फॉर्म है। अमाइन एनामाइन टोटोमेरिज्म है बेटे, उसमें भी आपके पास वही एक्स वाई जी का क्राइटेरिया या 1 2 3 का क्राइटेरिया। लास्ट है जी, करेक्टरिस्टिक्स क्या है टोटोमेरिज्म की, तो कॉज बाय ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने देखा था 1 3 शिफ्टिंग होती है और उसे रीअरेंजमेंट होती है डबल बॉन्ड की और प्रोटॉन की, रिवर्सिबल है, ठीक है। और टोटोमेटिक फॉर्म्स रिमेन्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी ये नहीं होता कि एक फॉर्म होगी या दूसरी इक्विलिब्रियम में होगा, कोई फॉर्म ज़्यादा या कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन इनकी सेपरेशन मुश्किल है, ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, वजह ये कि स्पेशल मेथड चाहिए होते हैं, सीरीज ऑफ आप इनके डेरिवेटिव बनाते हैं फिर सेपरेशन होती है। द टू टैटोमेरिक फॉर्म्स डिफर इन देयर स्टेबिलिटी, हमने देखा है कि कीटोनॉल में दोनों में से कोई एक ज़्यादा स्टेबल कोई एक लेस स्टेबल होती है, जो लेस स्टेबल हो उसे कहते हैं लेबाइल, ठीक है, लेबाइल वो मतलब जो लेस स्टेबल फॉर्म है। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म्स वेरीज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, और ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट भी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, आपने सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लिया, कैटलिस्ट का इफेक्ट भी देख लिया है। दैट्स ऑल जी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, उम्मीद है आप टॉटोमेरिज्म को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, कोई क्वेश्चन हैं क्यूरीज हैं आप पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर अपडेट्स एंड वीडियोज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।